सो गाइज आज हम बात करेंगे यहाँ पे फायरबोल्ट 360 प्रो के बारे में और वर्सेस फायरबोल्ट 360 के बारे में। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वॉच में आपको अपग्रेडेड चीज़ें मिलती हैं, प्रो के नाम से आती है, और एक वॉच में आपको एज इट इज़ सिमिलर चीज़ें मिलती हैं बट वो पुराना वाला वर्जन है। तो गाइज देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। एंड गाइज चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल कर सकते हो ताकि आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव हो जाए एज सून एज पॉसिबल। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फायरबोल्ट 360 जो थी उसमें सिंगल बटन के साथ आती थी, स्पोर्टी लुक आपको मिलता था। अगर मैं बात करूँ 360 प्रो की तो यहाँ पे आपको ड्यूल बटन मिलता है और मेन्यू आपको अलग मिल जाता थोड़ा सा, और लुक वाइज तो आप देख सकते हो एक स्पोर्टी लग रही है और एक आपको मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है एंड तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंज किया गया, 360 प्रो की थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है जो कि कॉलिंग के साथ आती है, और उसका जो पुराना वर्जन है 360 जिसमें आपको 1.3 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है, कलर डिस्प्ले दोनों की ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे 360 प्रो में जो पिक्सल रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 360। 360 में 240x240 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिलता है, TFT कलर डिस्प्ले मिलती थी, और 360 प्रो में आपको LCD पैनल मिलता है 360x360 पिक्सल का, रेस्ट टू बेक दोनों मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है दोनों में से किसी में भी। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों में, प्रोडक्शन कौन सा है एक्जैक्टली आई डोंट नो। यहाँ पे जो शार्पनेस है यहाँ पे टेक्स्ट की वो भी ज़्यादा है 360 प्रो की। यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ बढ़ा दिया गया है, पिक्सल साइज़ बढ़ा दिया गया है और शार्पनेस भी बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं 360 प्रो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस वो भी ज़्यादा है 360 प्रो की एज़ कम्पेयर टू 360, तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में स्ट्रेट अवे विनर है 360 प्रो जो कि कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो और गैलरी में से कोई भी इमेज को वॉच फेस आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे लास्ट वॉच फेस को ही आप एज अ एडिट कर सकते हो, यहाँ पे और वॉच फेस को एडिट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके वॉच में सिर्फ डिफॉल्ट से 4 से 5 वॉच फेसेस आपको मिलते हैं तो फिफ्थ वॉच फेस को ही आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप 2-3 वॉच फेस चेंज कर लो फिर आप उसको रैंडमली चेंज करते रहो, नहीं, सिर्फ आप वॉच फेस भी उस एक सिंपल पिक को लगा सकते हो लास्ट वाले वॉच फेस को चेंज करके, दैट्स इट। आगे बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर आपको स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं, IP67 की रेटिंग मिलती है 360 में, 360 प्रो में IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। कंसिस्टेंट स्टेप्स कॉन्टिक स्पोर्ट्स फोन एक्टिविटीज का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में, यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल एवरेज है, एक्सेलेरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर जी सेंसर ही सारी सारी चीज़ें मिल जाती है, टेम्परेचर मॉनिटर भी आपको मिल जाता है 360 प्रो में जो 360 में नहीं था। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ कॉलिंग फीचर मिलता है सबसे पहले 360 प्रो में, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो दोनों में ही, वाइब्रेशन के थ्रू ही अलर्ट्स मिलने वाले हैं, रिप्लाई बैक ऑप्शन नहीं मिलता दोनों में से किसी में भी, कॉल को म्यूट और जैक भी कर सकते हो। 360 प्रो की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको अपने फोन को निकालने की जरूरत नहीं, ऑल टाइम आप अपने वॉच से ही डायल कर सकते हो, डायल पैड मिलता है आपको, और कॉन्टैक्ट को सिंक भी कर सकते हो, फेवरेट कॉन्टैक्ट को सेव भी कर सकते हो, स्पीकर और माइक का वेंट मिल जाता है 360 प्रो में। आगे बात करें फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग वैसे भी 360 में भी नहीं था तो यहाँ पे भी आपको स्टटर लैग देखने को नहीं मिलता है। इवन मैं 360 की अनबॉक्सिंग और डीप डाउन रिव्यू भी कर चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। अलार्म क्लॉक, स्टॉपवॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन की सारी चीज़ें मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है दोनों में ही। फाइंड माई वॉच, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन अवेलेबल है, तो थोड़ा सा मेरे को फ्लॉ लगा। 360 प्रो में आपको फ्लैश भी मिल जाती है। इनबिल्ट गेम्स मिलते हैं यहाँ पे दोनों में ही आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। कैलेंडर, रिमाइंडर, स्टॉपवॉच, टाइमर ही सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है ही हैं। एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मामले में, हार्डवेयर की बात करें तो 660 प्रो बहुत आगे निकल जाती है, 512 MB रैम मिल जाती है आपको इसमें, मतलब 512 MB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है और 64 MB ऑफ रैम मिल जाता है। यहाँ पे आप गानों को स्टोर कर सकते हो, मतलब अपने TWS को कनेक्ट कर सकते हो अपनी वॉच के साथ। यस, आपने सही सुना, अपने नेक बैंड को या अपने वायरलेस हेडसेट्स को आप अपने वॉच से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई फीचर 360 में नहीं मिलता, और यहाँ पे रैम रोम भी ज़्यादा है 360 प्रो में। आगे बात करें यहाँ पे कस्टम UI मिलता है और यहाँ पे स्मूथ है, स्टटर लैग नहीं है, ड्यूल बटन मिलती है 360 प्रो में, एक बैक जाने के लिए और एक होम पे जाने के लिए, एक मेन्यू पे जाने के लिए, और 360 में सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है और गेस्चर्स का दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती है दोनों ही, अगर आप फिटनेस बोर्ड पे यूज़ करते हो 360 प्रो को भी 2 घंटे का बैटरी टाइम चार्जिंग पे लेती है आपकी 360 प्रो, 360 डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाती है। 240 mAh बैटरी एक्सपेक्टेड है 360 प्रो में, बट 360 में आपको 210 mAh बैटरी मिल जाती है, 15 से 10 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर दोनों ही वॉचेस। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है दोनों में ही। अब गाइस बात करें यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो तो आप 6 दिन तक यूज़ कर सकते हो, और वैसे अगर आपने कॉल वॉल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है तो 360 प्रो आपकी 2 से 3 दिन चल जाएगी और 360 आपकी 4 से 5 दिन ईजिली रन कर जाएगी। तो बैटरी बैकअप के मामले में 360 बेटर परफॉर्म करती है क्योंकि यहाँ पे फिटनेस वॉच के मामले में आती है और 360 प्रो आपकी कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है। गाइस बात करते हैं यहाँ पे मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है, SPO2 लेवल भी चेकआउट कर सकते हो आप, BP मॉनिटर, टेम्परेचर मॉनिटर भी मिलता है 360 प्रो में, 360 में सिर्फ BP मॉनिटर मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग मिल जाता है, कैलरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, कितना एक्यूरेट है आपको बता चुका हूँ, एवरेज मिलती है आपको एक्यूरेसी, सेडेंटरी रिमाइंडर भी मिल जाता है, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी आपको दोनों में ही अवेलेबल है।
और एंड गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं बिल्ड मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉच का जो वेट है ऑलमोस्ट सिमिलर है 360 प्रो, ऑलमोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा कम हल्की है एज़ कम्पेयर टू 360, थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे 20 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया 360 में, 360 प्रो में 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया है। TPU स्ट्रैप मिलता है यहाँ पे, स्ट्रैप की क्वालिटी ठीक ठाक है। और गाइज यहाँ पे जो मेन बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है, मतलब दोनों ही वॉचेस की बिल्ड क्वालिटी स्टडी आपको लगेगी, हैंड बाय साइड बाय साइड हैंड में आप उठा के देखोगे तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट बहुत ही बेटर काम किया गया है फायरबोल्ट की तरफ से। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट के बारे में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। 360 अवेलेबल है अमेज़ॉन पे और 3500 रुपये में अवेलेबल है। 360 प्रो भी आपकी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे जो कि करीब करीब 3500 रुपये में अभी मिल जाती है आपको, 3500 या मतलब 4000 के प्राइस ब्रैकेट में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आती है वर्ड की बात, तो गाइज डेफिनेटली मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप 360 प्रो की तरफ जा सकते हो क्योंकि एक्यूरेसी लेवल आपको सिमिलर ही मिलता है, तो क्यों ना आप कॉलिंग फैसिलिटी की तरफ जाओ। आपको वही 500 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं बस, वहाँ पे आपको स्पीकर माइक का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आप गानों को स्टोर कर सकते हो, कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेट अवे हार जाती है हमारी 360, इसका अपग्रेडेड वर्जन लेना समझदारी रहेगी बजाय पुराने वाले वर्जन के। तो गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन 360 प्रो वर्सेस 360। आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, टिल देन बाय बाय।